दिसंबर है और ये तारीख एक अलग मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज 61वां महापरिनिर्वाण दिवस है। भारतीय समाज में फैली हुई तमाम बुराइयों को दूर करने, वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को आज भी याद किया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जिनका समाधि स्थल मुंबई में चैत्य भूमि है और आज संसद में भी डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने देश के निर्माण, संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ये आप दृश्य भी देख रहे हैं जहां संसद में सभी नेताओं ने, सांसदों ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद पहुंचकर और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी यहां पहुंचकर डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके द्वारा देश निर्माण में जो उनका योगदान रहा है वो वाकई अतुलनीय रहा है। चाहे हम दलित शोषित वर्ग के उत्थान की बात करें, उनके अधिकारों की लड़ाई की बात करें, संविधान के निर्माण की बात करें, शिक्षा की बात करें, महिलाओं की शिक्षा की बात करें, बहुत सारे विकास के ऐसे पहलू हैं जिनको मजबूत आधार दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक विचारक भी थे, वैज्ञानिक भी थे, बुद्धिजीवी भी थे और कानून के अच्छे ज्ञाता थे, अर्थशास्त्री थे तो समाजशास्त्री भी थे और उनके जैसी शख्सियत राजनेताओं में बहुत कम देखने को मिलती है। और यही कारण है कि जब संविधान की बात हुई तो संविधान का निर्माण करने वाले समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अम्बेडकर को।